नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजाना न्यूज। में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। विश्व एड्स दिवस के मौके पर आज कई सामाजिक संगठनों ने एकजुट होकर संयुक्त रूप से किया रक्तदान। बता दें कि इस रक्तदान शिविर का शुभारंभ आज सुबह रेडक्रॉस भवन में किया गया। वहीं कई सामाजिक संस्थाओं ने साथ में मिलकर यहां पर रक्तदान भी किया। इस दौरान डॉक्टर बुनकर, आशीष सक्सेना, अभिषेक शर्मा, प्रमोद भार्गव के साथ विभिन्न संगठनों के स्वयं से भी उपस्थित रहे। 2017 जो है उसमें इसकी थीम राइट टू हेल्थ रखी गई और इससे संबंधित सुरक्षा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया हुआ है। कई स्लोगन्स भी इससे रिलेटेड जारी किए जाते हैं। सुरक्षा से कोई अवकाश नहीं होना चाहिए और आपकी सुरक्षा है तो आपकी परिवार की सुरक्षा है। तो बेसिकली जो फोकस है सुरक्षा के ऊपर पर विगत दिनों केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई एक सूची के सर्वे के आधार पर गुना सहित प्रदेश के 8 जिलों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए पिछड़ा बताया गया था, जो कि जिले के लिए बहुत ही शर्मनाक था। इसी के तहत आज गुना पहुंचे IAS अधिकारी PK दास एवं नितीश व्यास। दोनों ने आज दोपहर में कलेक्टर सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। यहां सबसे हैरत करने वाली बात यह रही कि नीति आयोग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर बैठक को आज बंद कमरे में किया गया। वहीं इस बैठक से मीडिया को दूर रखा गया। अब इस बैठक के फायदे हमें आगामी भविष्य को देखने में मिलेंगे भी या नहीं, ये देखने लायक होगा। जो महिला डॉक्टर लिखती है तो उसकी एक्सेप्टेंस ज्यादा है। मैं खुद खरीदता हूँ सर, उसको अच्छी कंपनी अभी वो खैर चलता है सर। ये मेरा आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ सर, गवर्नमेंट को इफ वी एक्सेप्टेड फॉर अस सर। और रोवर्स वेट इज फाइव, इट इज आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड और ये एक्चुअल डाटा है। दिस इज नॉट सैंपलिंग। माल नरिशमेंट सर उस बच्चों में, चूंकि मैं तो सर ये करता हूँ और वहाँ पे थर्ड ओवरऑल जो हमारे आंगनबाड़ी वर्कर देखते हैं, इट इज रिड्यूस टू 13%। और सेक्स रेशियो उस समय जब मैंने शुरू किया था इट वॉज 8.76 इन बुरा टाउन। नाउ हमारा आज की डेट का जो है 1000, आप इससे कैलकुलेट कर सकते 912 और 920 लड़कियाँ जाता। नेक्स्ट बड़े सर वो समराइज किया जो हमने शुरू किया था, MP का 62 था, पुणे का 75 था, ये मार हमारा 24 है। तो बर्फ वेट वो सारी चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट AMC और आयरन फॉलिक एसिड ऑलमोस्ट 100% है। कुछ लोगों को ये नहीं कह, कई बार क्या महिला खाती नहीं सर, झूठ बोल देती हैं, पर मैं आई पर्स्यू देम एंड पर्स्यू देम फॉर THR। कई बार महिलाएँ सोचती सरकारी चीज़ अच्छी नहीं है तो मैं उनको पर्स्यू करता हूँ। जो गवर्नमेंट देती है वो उसको लेती नहीं है, कई बार वो गाय भैंस वाले लोग। भगत सिंह कॉलोनी में रहने वाले रहवासी आज पहुंचे जिला कलेक्टर के पास गुहार लगाने। इन लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द इन्हें बिजली मुहैया कराई जाए। कॉलोनी वासियों का कहना है कि उनके कॉलोनी में 100 से ज्यादा परिवार निवास करते हैं। साथ ही उन लोगों को बिजली कंपनी द्वारा अस्थायी मीटर भी उपलब्ध कराए गए थे, जो कि कॉलोनी में डायवर्शन नहीं होने की वजह से आज हटा लिए गए। साथ ही बिजली कंपनी के कर्मचारी वहां से तार तक निकाल कर ले गए। अब कॉलोनी वासी बिना बिजली के रहने को मजबूर हैं। इसी बात की शिकायत दर्ज कराने एवं कलेक्टर राजेश जैन से गुहार लगाने लोग पहुंचे कि उन्हें जल्द से जल्द बिजली मुहैया की जाए। तकरीबन 100 से ऊपर घरों में प्रभावित होने का खतरा है और हमारे पास बिजली नहीं है। हम तकरीबन 6-3 साल से 1000 से ऊपर, तकरीबन 100 से ऊपर घरों में प्रभावित होने का खतरा है और हमारे पास बिजली नहीं है। हम तकरीबन 6-3 साल से यहाँ पर, जो सबसे पुराने मकान है उन मकानों में भी 3 साल से यहाँ पे लोग रह रहे हैं
और वो तकरीबन आप मान के चलें कि बिना बिजली के ही रह रहे हैं। हमारे पास कोई अभी लाइन का विकल्प नहीं है, हमारी लाइन अभी एक घंटा पहले इन्होंने बिना किसी सूचना के हमारे पास बिना कोई विकल्प छोड़े वो लाइन इन्होंने काट दी। और अब हम ये बताएं कि हमारे घर में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, हम कहाँ जाएं? हमारे पास बिजली का विकल्प नहीं दे सकते, जबकि हमारे घर से 100 मीटर दूर पर समृद्ध अच्छी और बढ़िया पावर की बिजली की व्यवस्था है, लेकिन हम 3 साल से उस 200 मीटर की दूरी को कवर नहीं कर पा रहे। तो इसमें प्रशासनिक अमला जो है वो क्या करना चाहता है? वो किस मैं भगत सिंह कॉलोनी में एक प्लॉट है मेरा जहाँ पे मैं रहता हूँ, मेरा निवास है वहाँ पे, और ये सभी कॉलोनी वाले हमारे साथ इकट्ठे हुए हैं। क्या समस्या हुई? हमारी समस्या मूलभूत सुविधाओं की है। मूलभूत सुविधाएं सबसे पहले केवल बिजली, आप कुछ मत दीजिए हमें, हमें बिजली दे दीजिए। हम टूटी सड़कों में रह रहे हैं, 3 साल से रह रहे हैं, हम रह लेंगे। आप हमें हमारी बिजली का हक दीजिए, हमें बिजली हर हाल में मिलनी चाहिए। क्या हुआ अभी? हमारे पास बिजली की व्यवस्था नहीं थी, जिसमें हमारे पास इन्होंने जो आपके मीटर लगे हुए हैं वो अस्थाई मीटर का पूरी व्यवस्था इन्होंने दे रखी थी। तकरीबन 100 से ज़्यादा घर वहाँ बन चुके हैं, आप गिनती करें, आपको गिनती करने में इससे कम घर नहीं मिलेंगे जो इससे पीड़ित हैं। इन घरों में महिलाएं रहती हैं, बच्चे रहते हैं, परिवार रहते हैं, और ये सभी बुजुर्ग लोग रहते हैं। इन सभी लोगों की समस्याओं का इनको कोई ध्यान नहीं है। हमारी बिजली का एकमात्र विकल्प था, हमने बड़ी मुश्किल से आवेदन दे दे के एक विकल्प का हिसाब कर रखा था। हमारी मेरी खुद आधा किलोमीटर दूर तक लाइन जो है खींच के गई है, और मैंने अपने घर के खंभे से उसका अर्थिंग लिया हुआ था, और हमने उस खंभे में तार डाली हुई थी। हमारे पास 150 वाट बिजली आती थी, जिसमें हम अपना पूरा घर का हिसाब किताब चलाते थे। 150 वाट बिजली कितनी होती है भाई साहब? 100 वाट अगर आप बल्ब जला देंगे तो आपकी बिजली खत्म। हम उसी बिजली में काम चला रहे थे, ये सोच रहे थे कि हमारा प्रशासन हमारे ऊपर सुध लेगा, हमारा कॉलोनाइजर इसमें सुध लेगा, कोई व्यक्ति आएगा जो इसमें हमें देखेगा, हमारी पीड़ा को कोई समझेगा, लेकिन किसी ने उस पीड़ा को नहीं समझा। और आज आज हम लोगों की पीड़ा का फिर से इन्होंने नजरअंदाज करने के उसमें इन्होंने फिर से एक और नया अपना काम किया, जिसके लिए मैं इनको शाबाशी दूंगा। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि वो तारें उठा के लेके चले गए। क्या कॉलोनाइजर को ये दबाव नहीं डाल सकते? क्या कॉलोनाइजर से वो रकम इकट्ठा करके, जो एक सही विधि है, बिना किसी डाइवर्जन के, बिना किसी इन चीज़ों के, ये किस तरीके से कॉलोनियों को कटवा रहे हैं और कैसे करवा रहे हैं? भावांतर योजना के अंतर्गत किसानों के पंजीकरण कराने के लिए लंबी कतारों में लगकर घंटों इंतजार करना पड़ता है, ऐसा कहना है एक किसान का। भावांतर योजना के अंतर्गत सबसे पहले किसानों का पंजीकरण होना आवश्यक है, उसके बाद ही उनके अकाउंट में भावांतर का पैसा आएगा। वहीं किसानों की माने तो उन्हें 5 बजे से आकर लाइनों में लगना पड़ता है, इसके बाद भी काउंटर जल्दी बंद हो जाने के कारण किसानों का पंजीयन नहीं हो पाता है। किसानों की मांग है कि यहां पर 2 काउंटर और बढ़ाए जाएं, जिससे किसानों को और सहूलियत मिल सके। वहीं मंडी के सहायक उप निरीक्षक ने हमें बताया कि पहले ही यहां पर 2 काउंटर हैं, लेकिन 5 कंप्यूटर पंजीकरण के लिए लगे हुए हैं, साथ ही 2 नए कंप्यूटर और लगाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने बताया कि जो भी किसान पंजीकरण कराने की लाइन में होते हैं, उनका पंजीयन करा के ही खिड़की को बंद किया जाता है। किसान जो आरोप लगा रहे हैं वह बेबुनियाद है। हेलो, समस्या ये आ रही है कि यहाँ पर कुछ लोग बेचारे सुबह 4 बजे से 5 बजे से 6 बजे से ऐसे लगे हैं, और शाम को जल्दी काउंटर बंद हो जाए। यहाँ पर 3-4 काउंटरों की व्यवस्था हो जाए तो अच्छा है। ये किसान बेचारे दूर दूर से आ रहे हैं, आज मान लो इनकी नहीं हो पाई व्यवस्था, पंजीयन नहीं हो पाया, तो फिर इनको कल आना पड़ेगा। 50-100 किलोमीटर से दूर से आते हैं बेचारे, ये समस्या इनकी थोड़ी सॉल्व हो जाए तो अच्छा। पानी की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पर। दो पुलिस वाले सिर्फ खड़े रहे बस भीड़ कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि असुविधा किसानों में होती है अक्सर, एक दूसरे में धक्का मुक्की हो रही है। पीने किसान मंडी में ज्यादा ही आ रहे हैं,
प्रतिदिन 800 किसान 700 किसान की हम प्रविष्टि कर रहे हैं और सुबह से 10 से लेकर 8 तक अनवरत काम चलता है। पांच काउंटर चल रहे हैं और बढ़ाने के लिए हम प्रयास रहते हैं कि दो एक काउंटर और बढ़ जाए, मैंने दो सिस्टम और बढ़ जाए, शायद संभवतः सोमवार से हो जाएगा। प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को सुविधा मिले और जो है किसी भी किसान को हम वापस नहीं भेजते, सबका पंजीयन करके ही हम काउंटर बंद करते हैं। प्रदेश की शिवराज सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर बनाए जा रहे विकास पर्व पर कांग्रेसजनों ने उठाए सवाल। आज कांग्रेसजनों के द्वारा शहर में एक रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से यह भी बताया गया कि जो शिवराज सरकार ने अपने 12 वर्ष के विकास पर्व के रूप में मना रही है वह कैसा विकास है, जिसमें जनता के पैसे का दुरुपयोग, फसल बीमा की विसंगति, नोटबंदी, व्यापम, सिंगल्स घोटाला, जीएसटी आदि को रेखांकित करते हुए विकास पर सवाल भी उठाए। वहीं कांग्रेसजनों ने बोला कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो वहां कैसा विकास और किसका विकास। कांग्रेसजनों ने रैली के बाद एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा। नहीं मिलती है उसके उत्पादन का पूरा लाभ जन पूंजीपतियों को, जन उद्योगपतियों को पहुंचाया जाता है। आपने देखा होगा हिंदुस्तान में ये मोदी सरकार किसके लिए काम कर रही है। ये वैसे हर क्षेत्र में किसानों के क्षेत्र में किसान सबसे ज्यादा खुदकुशी हमारे मध्य प्रदेश में कर रहा है। आज पेपर पढ़ा, वर्षों का शासन ही बेहाली से भरा रहा है, परंतु बीते 12 वर्षों में मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार, व्यापम तथा सिंगर जैसे कांडों के कारण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार के राज में 156 घोटाले इन 12 वर्षों के अंदर ही कर दिए गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की विसंगति ये हो गई है कि शेष जो 2 वर्ष थे उनका भारतीय जनता पार्टी के लोग नाम लेने से ही संकोच कर रहे हैं, क्योंकि दुर्दिन काल उस समय भी बदतर था और आज बदतर है। कांग्रेस पार्टी ने आम नागरिकों की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह सरकार के राज में भ्रष्टाचार हुए उनके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आज ये प्रदर्शन करके महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है। इस अपेक्षा के साथ कि शायद बीते 3.5 और 4 वर्षों में तो भारतीय जनता पार्टी के राज में राज्यपाल जी और राज्यपाल के कार्यालय की शायद नींद ना खुली हो, लेकिन अब कम से कम जनता की बात सुन के, जनता के कष्टों के खिलाफ वह जो जन भावनाएं हैं उनको राज्य शासन तक पहुंचा के उस पर कार्रवाई कराने का कष्ट करेंगे। जल उपभोक्ता संस्था अध्यक्ष द्वारा की गई उपयंत्री के साथ मारपीट के विरोध में ज्ञापन देने पहुंचे एसपी ऑफिस। मामला चाचोला का है, जहां पर उपयंत्री हरिओम शर्मा के साथ जल उपभोक्ता अध्यक्ष द्वारा उनके कार्यालय में जाकर मारपीट की गई थी, जिसके विरोध में आज सभी कर्मचारियों ने जाकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। सारे विभागों के इंजीनियर हैं, एक विभाग के थोड़ी है, चार विभाग के। हरिओम शर्मा कौन है? मैं हूँ।
उपलक्ष में कि हमारे एक साथी के साथ मारपीट की गई है चाचौड़ा में जयंती के पद पर हरिओम शर्मा जी जो कार्य करते हैं कार्यालय ऑफिस के अंदर उनके साथ एक जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष द्वारा मारपीट की गई। ये घटना है शासकीय कर्मचारी के साथ आए दिन हो रही हैं। मेरा निवेदन है कि इसमें शिथिलता न बरते हुए इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। साथ में जल उपभोक्ता संस्था का जो जो व्यक्ति जिसने घटना की है उसको जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष पद से हटाया जाए। ये हमारी डिप्लोमा एसोसिएशन की मांग है और चूंकि पूर्व में भी इस प्रकार की एक घटना हुई है तो हमारा प्रशासन से ये अनुरोध है कि इस पर सख्ती से कार्रवाई। मैं ऑफिस में काम कर रहा था, वो जल उपभोक्ता संस्था के अध्यक्ष शर्मा सिंह मीना आए और मुझसे विवाद करने लगे और विवाद करते करते मुझे मारपीट कर दी, गाली गलौज गालियाँ देने लगे माँ बहन की। पेमेंट का कह रहे थे तो मैंने कहा भैया ये नियम के अनुसार पेमेंट नहीं हो रहा है। इसी कारण मैं वहीं चाचौड़ा में ही हूँ, सिंचाई विभाग में जल संसाधन संभाग उप संभाग चाचौड़ा में पदस्थ हूँ। विश्व एड्स दिवस के अवसर पर गेल विजयपुर में ट्रक एवं क्लीनरों के सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस अवसर पर संवाद कला दल द्वारा नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन भी किया गया। वहीं व्यापक ग्रंथियों को दूर करते हुए सुरक्षित यौन व्यवहार अपनाने एवं व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ स्वच्छ भारत अभियान में अपनी भूमिका निभाने का संदेश भी दिया गया। कार्यक्रम में शासकीय महाविद्यालय रावगढ़ राष्ट्रीय सेवा योजना संयुक्त तत्वावधान में आयोजित जन जागरूकता प्रतियोगिता में पुरस्कारों का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर 200 से अधिक ड्राइवर एवं क्लीनरों ने साथ ही महाविद्यालय के सीआर स्वयंसेवक उपस्थित रहे। आप जानते ही हैं कि हर तरह की सामाजिक दायित्व को निभाने की कोशिश करता है। आप इन सब सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं, अपने साथियों को भी इसके बारे में जानकारी दीजिए। मैं सबसे ज़्यादा प्रसन्न हूँ हमारे जो युवा वर्ग के लोगों से जो कॉलेज से एनएसएस से जुड़े हुए हैं, कि एक बहुत बड़ा सामाजिक दायित्व है। साधारण और सरल भाषा में चीज़ें बताने की कोशिश की है। जैसा कि संदेश जी ने बताया था कि इस बीमारी का प्रकोप जो है वो मुख्यतः अफ्रीका से शुरू हुआ, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरे विश्व में फैल गया। आज की तारीख में इसके मरीज कम होते जा रहे हैं, मतलब जो नहीं आप लोगों की जागरूकता है कृपया से बनाए रखें। जो हमारे ड्राइवर और क्लीनर साथी भाई नहीं आ पाए हैं, मैं चाहता हूं आप लोगों ने इस रावगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। डोंगर से विजयपुर के बीच में 36 भैंसों से भरा हुआ ट्रक पकड़ाया। विजयपुर थाना प्रभारी सविता सिंह ने बताया कि रात के समय पालिका बाजार में गश्त लगा हुआ था। इसी दौरान मुखबिर की सूचना मिली कि डोंगर विजयपुर रोड पर भैंसों से भरा ट्रक जा रहा है। जब इस ट्रक को पकड़ा गया तो इसके अंदर दो पार्टीशन में करीब 36 भैंसे बरामद की गई, जिन्हें जब्त कर थाने पहुंचा दिया गया है। साथ ही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पालिका बाजार से मेरी गैस की चेकिंग थी, तो चेकिंग में हम लोग वहाँ से निकल के जा रहे थे तो हमें मुखबिर से ऐसी सूचना मिली कि यहाँ से एक ट्रक जा रहा है, भैंसा भरी हुई है उसमें। तो हमने उसकी तस्दीक के लिए हम लोग वहाँ गए तो रोड पे हमें वहाँ डोंगर और विजयपुर रोड के बीच में हमें ये ट्रक मिला था जिसका नंबर था RJ9234 ट्रक था, जो राजस्थान पासिंग था। और इसको फिर तस्दीक की तो उसमें तीन लोग थे, एक तो था रणवीर सिकरवाल, दूसरा था गर्जन शर्मा और तीसरा था फरीद खान। कितनी भैंसे थी उसमें? और भैंसों की जब गिनती की तो उसमें 36 भैंसे थे। किसकी सूचना पकड़ा आपने? मुखबिर की सूचना से पकड़ा था। रावगढ़ से हमारे सहयोगी कमलेश सैनी की रिपोर्ट। चाचौड़ा में जमीन की खुदाई में मिली कुछ प्रतिमाएं, इन जैन प्रतिमाओं को खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया जो कि एक मकान के निर्माण कार्य की खुदाई चल रही थी। हालांकि मकान की खुदाई का काम अभी भी जारी है और यहां पर एक स्तंभ और प्रतिमाओं के मिलने की आशंका भी है। बता दें कि पहले जिस स्थान पर मूर्तियां प्राप्त हुई थी उससे महज ये 20 फीट की दूरी पर यह स्थान है जहां पर और प्रतिमाएं मिली हैं। इन प्रतिमाओं को बीनागंज के शुभोदय जैन मंदिर में विराजमान कर दिया गया है।
चाचौड़ा से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। आरण में इन दिनों चल रहा है भगवत कथा का आयोजन। यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं भगवत कथा का रसपान करने। यहाँ कथावाचक रामदयाल शास्त्री द्वारा प्रथम दिन की कथा में भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्ति होती है। कथा का श्रवण करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है। हर समस्याओं का समाधान करने वाले भगवान कथा में ही है। यह कथा दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित की जा रही है। कथा शुरू होने से पहले यहाँ पर एक कलश यात्रा निकालेगी जो कि मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल पर पहुंचे। उम्र कैसे करेंगे, बस जहाँ है वही भगवान का चिंतन हम करते रहे। एक बार की बात, संत सनत कुमार ये चार ऋषि हैं, ये थे बद्रीनाथ धाम में। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। ईद मिलादुन्नबी के त्योहार को शांतिपूर्वक मनाने के लिए थाना प्रांगण आरोन में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि त्योहार शांतिपूर्वक मनाया जाएगा, साथ ही दास हनुमान मंदिर के पास पुलिस कर्मियों को लगाया जाए। इस जगह पर जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए इस अवसर पर SDM अरविंद वाजपेयी, SGOP अनुराग पांडे, TI अभय सिंह परमार, तहसीलदार निर्मल सिंह राठौर, मुन्ना खान आदि लोग मौजूद रहे। आपने आराम तब देख कर रख दिया, कल पता है आप नगर पालिक आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। आरोन तहसीलदार निर्मल सिंह राठौर द्वारा अवैध रेत खनन एवं मिट्टी का परिवहन करते हुए ट्रकों को किया गया जब्त। बता दें कि ट्रैक्टरों द्वारा अवैध उत्खनन एवं मिट्टी का परिवहन किया जा रहा है, जिसको तहसीलदार निर्मल सिंह राठौर ने मौके पर पहुंचते हुए जब्ती की कार्रवाई की गई। क्षेत्र भ्रमण के दौरान पर्वत के पास जो सिंधु नदी का पुल है, इसके नीचे ये दोनों ट्रैक्टर खुदाई करते हुए भरते हुए पाए गए थे। उनकी जब्ती की गई और थाने में इनको सपोर्ट किया गया है। प्रकरण बनाकर कलेक्टर ने उसे किया गया। आरोन से हमारे सहयोगी चंद्रेश रघुवंशी की रिपोर्ट। विजयाना में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।